भाई बहन जी गठबंधन में आए या ना आए वो देश को नुकसान ही देंगी। यदि वो अलग चुनाव लड़ेंगी तो वो तब भी नुकसान देंगी, और यदि नहीं लड़ेंगी तब ये बहुजनों को काटने का काम कर रहे हैं, गुलाम बनाने के लिए उन लोगों का मनुवादियों का साथ दे रहे हैं। काशी राम जी ने जो गलती कर दी है वो आज तक आने वाली नस्लों को भी गुमराह होगा। ST OBC माइनॉरिटीज की यदि इनका ही व्यक्ति है बंदा है केवल उनकी अरेस्टिंग उन्हीं के लिए कानून है, वरना यदि ब्राह्मण या कोई ऊंच जाति का क्षत्रिय मिल जाएगा बनिया मिल जाएगा, आप मुझे बताइए उनके कहाँ अरेस्टिंग हो रही है, वो कौन से दंगों में कूद रहे हैं। अरे भाई साहब जो आज़ादी आज भी मान रहे हो ना आप, ये आज़ादी भी झूठी है और हमारे देश की सारी जनता भूखी है। मेरे साथ चलो गाँव गाँव में शहर शहर में कस्बों में, व्यापारी भी भूखे मर रहे हैं, मजदूर भी भूखे मर रहे हैं, करोड़ लोगों को। अरे भाई साहब अपने बाप के घर में से दे रही है क्या, मोदी छलकार दे रही है। PM कौन बनेगा, EVM इनके हाथ में, जैसे पहले राजा की जो है जान तोते में थी, आज इनकी जान जो है वो EVM मशीन में है। यदि मुस्लिम जाग गया और मुस्लिम आगे आ गया तो SC ST OBC को ये आगे ले आएंगे, और ये आगे ना आए इसीलिए मुस्लिमों को दबाने का काम कर रहे हैं। तो चंद्रशेखर को भी तो नहीं बुलाया ना गठबंधन में? माननीय जो चंद्रशेखर जी हैं वो भी इनकी कठपुतली कहीं ना कहीं बन करके नाच रहे हैं। उनका जो उतारने का मकसद है कि बहुजनों को कैसे कैसे अलग करा जाए, कैसे कैसे फूट डाली जाए, कैसे राज आगे बढ़ाया जाए, केवल वो इनका मिशन है और कुछ नहीं है। ये तो केवल इन्होंने एक षड्यंत्र बनाया इंडिया को बदनाम करने के लिए, इंडिया के लोगों को गुमराह करने के लिए कि वो इंडिया में गठबंधन में आ जाए और तब जाकर के हम लोगों की सरकार बन जाए। कौन सा न्याय मिल रहा है, किसको कितनी संख्या है, जिसकी उतनी कहां हिस्सेदारी है, मुझे बताइए। आप केवल बात ही बात करते हो या और लोग केवल बात करते हैं? देश चल रहा संविधान से, केवल SC ST OBC माइनॉरिटीज के लिए यदि कोई बात होती है तो संविधान है, और वरना और किसी के लिए संविधान क्यों नहीं है आज तक, मुझे बतलाइए। संविधान क्यों नहीं चलता, क्यों नहीं संविधान से चलाया जाता, सभी पे लागू होता है सभी लोगों पर, तो कहाँ लागू हो रहा है? केवल एक मनुस्मृति वाले मनुवादी वाले जो लोग हैं उन लोगों का कोई संविधान क्यों नहीं लागू होता? वो मूत्र विसर्जन करते हैं दलितों पर, SC पर, OBC पर, वो मॉब लिंचिंग करते हैं, उनके ऊपर क्यों नहीं जो है संविधान लागू होता, बतलाइए। आप केवल करते हो, बात पहुंचा क्यों नहीं रहे जनता में? आप जनता की बात कीजिए ना, हमेशा जनता के लिए। अरेस्टिंग तो होती है अपराधियों की, हैं? कौन सी अरेस्टिंग हो रही, केवल SC ST? अरे भाई साहब SC ST OBC माइनॉरिटीज की यदि इनका ही व्यक्ति है बंदा है केवल उनकी अरेस्टिंग उन्हीं के लिए कानून है, वरना यदि ब्राह्मण या कोई ऊंच जाति का क्षत्रिय मिल जाएगा बनिया मिल जाएगा, आप मुझे बतलाइए उनके कहां अरेस्टिंग हो रही है, वो कौन से दंगों में कूद रहे हैं? ये केवल आपस में लड़ाने भिड़ाने का काम किया जाता है और कुछ नहीं है इस देश में, केवल गुमराह करने का काम है, देश को लूटने और बर्बाद करने का और अपना राजतंत्र बनाकर रखने का। आज वो सिंगुल उन्होंने स्थापित कर दिया जो सामंतवादी व्यवस्था का प्रतीक है। मोदी जी ने अपने जन्मदिन पर नई संसद में प्रवेश किया है कल 17 तारीख। अरे भाई साहब जन्मदिन तो वो होता है जैसे हजरत औरंगजेब साहब अपने काम किया करते थे, ऐसा राज होना चाहिए कि उन्होंने जनता के बीच में जा करके भेष बदल करके। अरे माननीय देखिए अभी ये फोटो लगी है इनकी, देख लो कलाम साहब की, कलाम साहब ने क्या किया, उनके बाद में आज क्या मिल रहा है उनको बतलाइए। वो सब कुछ यही छोड़ के गए, सब जनता के लिए किया, ये क्या अपने लिए कर रहे हैं? अरे भाई साहब जो वो समता समानता न्याय बंधुता और स्वतंत्रता की बात करते थे, ऊंच नीच की बात से वो दूर रहते थे, और इसीलिए उनको दूर करने का ये षड्यंत्र रच रहे हैं। मुगलों का इतिहास बदल दिया इन्होंने, हटा दिया, और जो आज कौन है जो सबसे ज्यादा बड़ी लड़ाई लड़ी थी एक वीर अब्दुल हमीद ने, उसका चैप्टर हटा दिया। तो ये बात कोई करता नहीं है, जो चाहिए हमें उसकी बात कोई करने को राजी नहीं। आज शिक्षा की बात चाहिए, किसकी? नया भारत है, नया भारत है ये। अरे कौन सा नया भारत है, कहाँ से नया भारत क्या सिखा जा रहा है? अरे भाई साहब इंडिया दैट इज भारत, मेरे भारतीय संविधान में बात खत्म कर रही है मोदी सरकार। अरे इंडिया कैसे, यानी कि अगस्त में जो आज़ादी मिली उसको खत्म कर देंगे, यानी वो आज़ादी तो झूठी है, मैं खुद ही कहता हूँ। हैं जब 2014 के बाद आज़ादी मिली, कहीं की मिली है तो मुझे बताइए। तो कहते हैं ये बात गुलामी करने के लिए, जो लोगों को गुलाम करने का षड्यंत्र रचे जा रहे हैं वो आज़ादी है क्या?
अरे ये जो आज, अरे भाई साहब जो आज़ादी आज भी मान रहे हो ना आप, ये आज़ादी भी झूठी है और हमारे देश की सारी जनता भूखी है। मेरे साथ चलो गाँव गाँव में, शहर शहर में, कस्बों में व्यापारी भी भूखे मर रहे हैं, मजदूर भी भूखे मर रहे हैं, मोदी सरकार 80 करोड़ लोगों को। अरे भाई साहब अपने बाप के घर में से दे रही है क्या मोदी, छलकार दे रही है, लग रही है दुकान कहाँ से नाई लग रही है, हमारे घर का, हमारी हमारे लोगों की कमाई है, वो हमारा हिस्सा है, उनके क्या बाप का कहीं से वो है। अरे क्या नाम अपना कर लो, मीडिया उनकी है, सरकार इनकी है, तो तुम्हारा तो नाम होगा नहीं, तो और किसका होगा है, बतलाइए मुझे। पहले उससे पहले सरकार नहीं चली, उनका नाम क्यों नहीं आज तक भी कर रहे, उनको मिटा रहे हो तुम, खत्म कर रहे हो अपना नाम को कर रहे हो, अपना सूट बूट मेरा 10 लाख रुपए का सूट है, अबे 10 लाख का देखने की जरूरत है, या अपने गरीबी जो मेरी जनता मर रही है उसको देखने की जरूरत है। आज तुम 2024 में क्या लगता है कौन पीएम बनने वाले हैं यार, फिर वही 2024 के लिए लेके दौड़ जाओ तुम, पीएम कौन बनेगा, ईवीएम इनके हाथ में, जैसे पहले राजा की जो है जान तोते में थी, आज इनकी जान जो है वो ईवीएम मशीन में है। के खिलाफ पूरा विपक्ष हम तो पूरे प्रयास कर रहे हैं, आप लोगों की जरूरत है, किसी से नहीं होगा। इस देश में जो आज भी हो रहा है वो सब इन लोगों का षड्यंत्र है, और जिस पे भी आक्रमण होता है, जिस पे भी बदतमीजी हो रही है, यदि ब्राह्मणों के साथ में कुछ ऊटपटांग हो गया तो वो हिंदुओं के साथ हो गया, देश के साथ हो गया। और जब हिंदूवादी आया था तो 1915 में एक माननीय मिस्टर तिलक, उसने हिंदू का नाम स्थापित किया था, वरना उससे पहले किसी ग्रंथ में किसी कहीं पे कोई नहीं है, ना सनातनी है ना हिंदू है, ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हमारे देश जो है बुद्धमय भारत है, और बौद्धिस्ट यहाँ का एक मेन मूल निवासी है, सब लोग यहाँ पे कन्वर्ट अलग अलग विचारधाराओं की हुई है। विपक्ष किस तरह मुकाबला कर पाएगा जो सत्ताधारी पार्टी है, जब सारे भाई साहब जनता को चुनना पड़ेगा, जो आप सांसद विधायक चुन रहे हैं। ईवीएम के बारे में बोला है कि ईवीएम उनके है, तो आम जनता फिर क्या कर सकती है? आम जनता को एकदम से पूरा जन आंदोलन करना पड़ेगा सड़कों पर उतर करके, तब जा करके होगा, वरना इनका कान इधर से पकड़ो इधर से, वो सारा एक ही थैली का चट्टा भी तभी उतरेगी ना, कोई रहबर तो हो उनका। पांच पार्टियां राष्ट्रीय स्तर की, आज ब्राह्मण उनके सर्वोपरि हैं, उस ब्राह्मणवाद को ही स्थापित करने के लिए कभी वो इधर से कान पकड़ते, कभी इधर से आते, वही है। तो ये जब तक बहुजन का मूल निवासियों का यहाँ सरकार नहीं आओगी, जब तक हिस्सेदारी का काम नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं होगा। और बहुजनों को सड़कों पर निकलना पड़ेगा, बहुजनों निकलो मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, तब जा कर के कुछ होगा। अदरवाइज ये लोगों को लॉलीपॉप देते रहेंगे, कभी बहन बेटियों के नाम पर, कभी बच्चों के नाम पर। आज ये इस षड्यंत्र को फैलाने के लिए इन्होंने देखा, अभी षड्यंत्र के गाँव गाँव में, स्कूल स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में भी ऐसे ऐसे छोटे बच्चों के दिमागों में घुसाने का काम कर रही हैं ये लोग। एक नफरत की, क्या नफरत की विचारधारा, उस नफरत की विचारधारा खत्म करने के लिए जब तक मुस्लिम समाज को आप जितनी उसकी संख्या है संवैधानिक अधिकार दे करके उन्हें संसद में नहीं पहुंचाओगे, तो आपकी आवाज़ कोई नहीं उठा पाएगा। क्योंकि मुस्लिम समाज ये ही एक ऐसा समाज है जो क्रांति कर सकता है, वरना एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज के हाथ में तो घंटा दे देते हैं, या उन्हें गोबर पूजने पे लगा दिया, पूजने पे लगा दिया, कहीं ना का कोई संगठन बनता है या कोई लीडर आगे आता है तो उस पर ईडी के छापे पड़ते हैं, सीबीआई की रेड होती है उन पर, उनको दबाया जाता है। अरे भाई साहब ये तो सब पे ही लगाते हैं, मुस्लिम समाज को मैंने क्या बतलाया कि इसीलिए दबाया जाता है, यदि मुस्लिम जाग गया और मुस्लिम आगे आ गया तो एससी एसटी ओबीसी को ये आगे ले आएंगे, और ये आगे ना आए इसीलिए मुस्लिमों को दबाने का काम कर रहे हैं कि मुस्लिम समाज को उसे दबा दो, और तभी इसलिए इनको फिर गुमराह कर दो, इन्हें गुलाम बना दो। मिशन को लेकर चली थी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, उनका वो सब चौपट हो गया, उस चौपट होने से पूरे देश को गुमराह करने का, वो केवल माया लूटने का काम कर रही है, इधर से भी माया आओ उधर से भी आओ। तो चंद्रशेखर को भी तो नहीं बुलाया ना गठबंधन? माननीय जो चंद्रशेखर जी हैं वो भी इनकी कठपुतली कहीं ना कहीं बन करके नाच रहे हैं। उनका जो उतारने का मकसद है कि बहुजनों को कैसे कैसे अलग करा जाए, कैसे कैसे फूट डाली जाए, कैसे राज आगे बढ़ाया जाए, केवल वो इनका मिशन है और कुछ नहीं है। तो क्या लग रहा है कि मुस्लिम हो या दलित हो या आदिवासी हो, उनका कोई नहीं है, सिर्फ वोट के ही नाम पर उन पे किया जाता है? बिल्कुल सही बात है। देखिए मुस्लिम समाज जो है
उसको केवल वोट के लिए इस्तेमाल किया है आज तक, और मुस्लिम समाज को हम जागृति लाने के लिए बराबर प्रयासरत हैं और प्रयास कर रहे हैं, तभी जा कर के देश का भला होगा। और इस देश में यदि एससी एसटी ओबीसी का हमेशा साथ दिया है तो मुस्लिम ने दिया है, और यदि वो अब आकर के मुस्लिम का साथ नहीं देगा तो वो आने वाली नस्लें उनकी गुलाम हो जाएंगी। ये मैं लिख करके दावे से कह सकता हूं। 2024 में जो चुनाव होने वाला है, एक तरफ इंडिया एक तरफ एनडीए है। देखिए इंडिया दैट इज भारत। ये तो केवल इन्होंने एक षड्यंत्र बनाया इंडिया को बदनाम करने के लिए, इंडिया के लोगों को गुमराह करने के लिए कि वो इंडिया में गठबंधन में आ जाए और तब जाकर के हम लोगों की सरकार तो बन जाए। बीजेपी सरकार भी इंडिया हटा रही है ना, अब तो नाम हटा रही है। अरे भाई साहब, बीजेपी नाम हटाए वो कुछ भी करे, ये तो इनका षड्यंत्र है, माया जाल है केवल गुमराह करने का। यानी कि पार्टी कोई भी हो जनता को गुमराह की जा रही है भाई, ये तो बिल्कुल गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि ये जो बनुवादी बैठे हैं वो भी इन्हीं की पार्टी है, अब वो जैसे भारतीय की जनता, भारतीय जनता की पार्टी रखा, ऐसे आईएनडीए गठबंधन रखा, यानी इंडिया से जोड़ दिया, लेकिन उसका मतलब तो अलग है ना। इंडिया दैट इज भारत का मतलब अलग है। यदि आप संविधान में पढ़ोगे, उसकी जो परिभाषा पढ़ोगे, आईएनडीए का जो ये गठबंधन बना, इसकी परिभाषा अलग है, तो उससे मत जोड़िए देश के नाम से। देश का नाम वही रहेगा और वही है। ये हिंदुस्तान, हिंदुस्तान कहने वाले वो देश को गुमराह कर रहे हैं, देश की जनता के अपने खुद के। भाई बहन जी गठबंधन में आए या ना आए, वो देश को नुकसान ही देंगी। यदि वो अलग चुनाव लड़ेंगी तो वो तब भी नुकसान देंगी, और यदि नहीं लड़ेंगी तब भी नुकसान। भाई साहब, वो यदि नहीं लड़ेगी तो बीजेपी को क्या होगा, फायदा होगा कि जो उनकी अपनी वोट बैंक है, परसेंटेज है, सुनिए अरे भाई साहब, उन्होंने जो पहले से गुमराह कर रखा है जनता को, गुमराह कर रखा है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के ऊपर, और आज कहाँ है वो, कौन आपको लग रहा है कि मायावती ने अरे सरुजन कहाँ से आए, बहुजन है यहाँ का सबसे बड़ा दल, सब हाँ बहुजन उसी नीत में दिक्कत है। दिक्कत यही है कि जितना भी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज में सवर्ण ट्रांसफर हुआ है, उन्होंने धर्म परिवर्तन किया है, वही उसका लाभ उठा जाते हैं। जो मजलूम लोग हैं शोषित है, दबा कुचला वर्ग है, उनको आज तक आगे नहीं बढ़ने दिया जाता। कोई भी चुनाव आ जाए, पैसे वाला यदि है तो उसको आगे बढ़ा दिया जाता है, और या उनकी कठपुतली बन जाए, वो पैसा देंगे तब जाकर के अपना। तो क्या लग रहा है कि बहुजन समाज का ऐसा कौन सा लीडर है जो बहुजन समाज के लिए काम कर सकता है? हम कर रहे हैं, मैं राजुद्दीन गादरे कर रहा हूँ। अच्छा हाँ, और हमारे बहुत सारे साथी हैं, पूरी इंडिया लेवल तो पे काम कर रहे हैं। पार्टी में आप शामिल हुए? हाँ, बहुजन मुक्ति पार्टी के जरिए से हम लोग काम कर रहे हैं, गठबंधन बना रहे हैं बहुत बड़ा। हाँ। और उसके जरिए से बहुजनों को इकट्ठा करने का काम ऐसे कर रहे हैं। आप गठबंधन बना रहे हैं, आरोप तो ये लगते रहते हैं कि हमेशा बहन जी को हराने के लिए तमाम बहुजन संगठन, तमाम बहुजन पार्टियां उत्तर प्रदेश को घेर रही हैं। भाई साहब देखिए, आपके जरिए से आपको भी, अरे मैं भी आपको बतला देना चाहता हूँ, ये बहुजनों को काटने का काम कर रहे हैं, गुलाम बनाने के लिए उन लोगों का मनुवादियों का साथ दे रहे हैं, ये पक्की बात है। आप देखिए, उत्तर प्रदेश में अगर चार बार की मुख्यमंत्री बन जाती है बहन जी, तो तमाम पार्टियां और जो बहुजन समाज की पार्टियां वो क्यों आती है? वो इसलिए बन गई पहले कि वो गुमराह कर करके लोगों को, जनता को है? अच्छा, नहीं नहीं, एक, एक, अरे एक नहीं, मैं बतला देता हूँ, जब भी ये बने हैं तो बीजेपी का पहले इन्होंने सपोर्ट किया और उसका साथ दिया, और ये कहते थे ना, हाँ, तो किसी का भी साथ ले लो सत्ता बनाने के लिए। कौन? काशीराम जी ने जो गलती कर दी है वो आज तक आने वाली नस्लों को भी गुमराह होगा। अच्छा, आने वाली नस्लों को भी गुलामियत में जाएगा। तो अब क्या लग रहा है, आने वाली नस्ल जो है, बहुजन समाज जो है 85% 87% है, उसके ऊपर ही काम करो ना आप, उसमें लोई मत ना। यदि कोई इसका जो ऊंची कास्ट का अपना पे को कहते हैं, उन लोगों का यदि चुनाव लड़ रहे हैं, उनको आप वोट ही मत दो। और जो ये बड़ी बड़ी चैनल मीडिया चला रहे हैं, इनके अखबार मत पढ़ो, इनके मीडिया चैनल मत देखो, मैं तो आपके जरिए से बोल देता हूँ। क्यों नहीं है आसान? अरे आप मेरी बात कह रहे हो, आपकी बात यदि जनता में पहुंचती है और जनता उसको समझ जाएगी, और समझना है, बात तो यही उठता है ना कि बहुजन समाज के लिए अगर मायावती नहीं, चंद्रशेखर नहीं है, ऐसे तमाम बड़े नेता नहीं है, तो फिर है कौन? अरे भाई साहब, ये चंद्रशेखर भी कहां से आए हैं? ये केवल चंद्रशेखर जी को केवल एक संगठन चलाते रहना चाहिए था, और जो राजनीतिक पार्टियां उनको राजनीतिक में साथ देते,
लेकिन ये भी अपने आप को ऊंचा बनाने के लिए आज तक मुझे बताइए कहाँ उभर पाए। अत्याचार होता राजू दिन गादरी तो वहाँ पहुँचते नहीं, चंद्रशेखर पहले पहुँच जाता है। कौन? हाँ मीडिया दिखाती है ना उसको, राजुद्दीन गादरे जब पहुंचता है तो मीडिया वहाँ देखती नहीं है ना आती है, क्योंकि हम लोग जो काम करते हैं वो ज़मीनी स्तर पे पहुंचते हैं, ज़मीनी स्तर पे हम लोग मेहनत करते हैं, वो दिखावा और मीडिया को लेकर के जाते हैं। हम लोग मीडिया नहीं, हम लोग आराम से जा कर के उनकी जन समस्याओं को सुनते हैं और तब जा कर के उनकी बातों को उठाते हैं, तब जा कर के हम लोग आगे पहुँचाते हैं और उनकी बातों को आगे अमल में लाया जाता है।